आज हनुमान जी का जन्मदिन है, लोग हनुमान जयंती बोलते हैं, लेकिन हनुमान जयंती उनको बोला जाता है जो इस संसार में नहीं है। और हनुमान जी जो हैं चिरंजीवी हैं, पवन पुत्र हैं, जिसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं। तो ये हनुमान जी जो चमत्कारी हनुमान जी हैं, इनको वीजा वाले हनुमान जी के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध है। वीजा के अलावा भी जिसकी जो भी मनोकामना होती है हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वेग चलता है, जिस तरीके से पवन चलती है, तो उसी तरीके से ही जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं हमको पूरा करते हैं। यहाँ पर हम एक कागज़ के ऊपर उनकी जो भी इच्छा होती है भक्त की वो लिख करके यहाँ उनको दिखाते हैं, और यहाँ पर हम उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे बाबा, आप उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। और इसके साथ में हम एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर मंत्र लिखा होता है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात जगपाई, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर गुणात्म संकटकारी। इसको 11 बार पढ़ते हैं, उसके बाद में एक हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद में आंखें बंद करके इनका ध्यान करते हैं, जो भी मन के अंदर इच्छा होती है वो बोलते हैं। यहाँ पर जो भी आता है 21 दिन के अंदर उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कभी कभी 41 दिन भी लग जाते हैं, ये उनके ऊपर है। मगर कोई भी मनोकामना है सच्चे दिल से अगर मांगी जाती है तो ज़रूर पूर्ण होती है। जैसे कि आपने कहा 21 दिन आना होता है, 41 दिन आना होता है, तो क्या कंटिन्यूस आना होता है कि 21 दिन तक पढ़ना होता है जो हम पेपर देते हैं। एक पेपर दिखाई, ये पेपर है, इसके अंदर मंत्र लिखा हुआ है किसकंदा कांड का और सुंदर कांड की चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम्पाई, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर हुनात्मा संकट भारी। उसके बाद में एक बारी हनुमान चालीसा पढ़ना है और आंखें बंद करनी है, सच्चे दिल से इनका ध्यान करना है और अपनी मनोकामना को पूर्णना है। मैम, जिस तरह से आज की जो भीड़ है, हनुमान जी के जो जन्म है और इस तरह से आज भी भीड़ लगी हुई है आपके मंदिर में, क्या इस तरह की भीड़ डेली रहती है यहाँ पर? हमेशा रहती है, मंगलवार को तो खास कर रहती है।